भगवान महावीर का सबसे बड़ा योगदान इस धर्म जगत को है अनेकांतवाद, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान है ना विज्ञान के क्षेत्र को, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, वही रिलेटिविटी धर्म क्षेत्र में किसी ने समझाई हो, किसी ने उसके पंख को पसारा हो, फैलाया हो, किसी ने उसकी एक एक सूक्ष्मता को सात अलग अलग नए के द्वारा हम जैसे सामान्य लोग भी समझ सके इन शब्दों के अंदर उतारा हो, तो वो है भगवान श्री महावीर। अनेकांत दृष्टि से जब हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के प्रति न राग होता है न द्वेष, और राग द्वेष रहित होना यही तो धर्म है। धर्म की ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस न देते हुए भगवान महावीर के 5 मूलभूत सिद्धांतों के अंदर ही पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग समाया है। जहां तहां से राग द्वेष रहित होना है तो उस रहित होने के लिए वैसी दृष्टि का निर्माण करना होगा। जहां मेरा पना है वहां से राग और द्वेष जाता ही नहीं, लेकिन ये मेरा पना कैसे हटे कि उसके साथ साथ राग और द्वेष हटे, इसको हटाने के लिए जो संपूर्ण नए दृष्टि का विवेचन किया है वो भगवान महावीर का सबसे बड़ा योगदान है इस धर्म के समाज में, और वही इस जैन धर्म की मूलभूत भूमिका है। पूरा जैन धर्म खड़ा हुआ है अनेकांत दृष्टि पर, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस जैन धर्म की अनेकांतवाद भूमिका को भी लोगों ने एकांत में बांध कर रख दिया है। जैनों ने ही, किसी ने एकांत निश्चय नए पकड़ लिया है यानी ज्ञान नए, और किसी ने एकांत क्रिया नए यानी व्यवहार नए पकड़ लिया है। दो नए हैं, नए यानी देखने का ढंग। नए किसे कहते हैं? देखने का ढंग, पर्सपेक्टिव जो होता है, व्यू पॉइंट, किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग नए पड़ जाते हैं। इस पुस्तक को आप किस एंगल से देखें कि ये शास्त्र लगे, किस एंगल से देखें? भगवत गीता के नए से देखेंगे तो ये शास्त्र लगेगी। किस एंगल से देखें कि ये रद्दी के कागज लगे? कबाड़ी की दृष्टि से, कबाड़ी की दृष्टि से किस एंगल से देखें कि ये खास ये पुस्तक हमारे लिए पूजनीय बन जाए? ये बेन प्रभु का पुस्तक है, बेन प्रभु इसको रेफर करते हैं तो ये पूजनीय बन जाए। वस्तु को अलग 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 एंगल से देखने से उसमें राग आता है, द्वेष आता है। स्त्री को उसके रूप के एंगल से देखो तो राग आएगा, स्त्री को उसके सुंदर रूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी ओर आकर्षण होता है, राग होता है। उसी स्त्री को उसके कलामयी स्वभाव की ओर से देखने पर उस स्त्री से क्या होता है? द्वेष। स्त्री एक ही है, एक ही स्त्री है, लेकिन उस एक ही स्त्री के रूप को देखो तो राग होता है। उसके कलह वाले मन को, उसके कलह वाले नेचर को देखो, हर समय चिकचिक करती रहती है, तो उसी स्त्री से द्वेष होता है। अब एक ही स्त्री से राग और द्वेष की घटना हो रही है, इसमें कसूर स्त्री का है या कसूर हमारी दृष्टि का है? बस इस दृष्टि परिवर्तन का सारा खेल कैसे होगा, ये पूरा नयवाद भगवान महावीर ने दिया है। शब्द भंगी है, अस्ति नास्ति व्यक्त अव्यक्त, अस्ति अव्यक्त, अस्ति अव्यक्त, अस्ति नास्ति अव्यक्त, ऐसे 7 अलग अलग भांगे पड़ते हैं। भांगे समझते, अलग अलग डिविजन्स है। सप्त भंगियों को जो लाए वो थे भगवान महावीर, और उनको जिस तरह से हमारे पूर्वाचार्यों ने खोला, कहते हैं एक बार कोई जैन विद्वान, जैन ज्ञानी किसी सनातन सभा के अंदर पहुंचे, और सनातन सभा के जो पंडित थे उन्होंने उनका कटाक्ष किया उनके ऊपर, उनकी मजाक उड़ाई और उनसे कहा कि तुम्हारे जैन दर्शन में तो 7 भंगी है, सप्त भंगी है ना, तो कहा तुम्हारे जैन दर्शन में तो 7 भंगी है, ये किस तरह का तुम्हारा दर्शन है? विद्वान रहे होंगे, राग द्वेष रहित रहे होंगे, या राग द्वेष की मंदता होगी? उन्होंने भी हंसकर जवाब दिया, क्या करें, तुम्हारे धर्मों ने इतना कचरा फैला दिया है कि हमें एक नहीं 7 भंगियों को लाना पड़ा।
वस्तु को समझ लिया जिसने, वो भंगी किस अपेक्षा से कह रहे हैं, हमें उसका उत्तर कैसे देना है, न राग है न द्वेष है, लेकिन वस्तु कितनी क्लियर है, ये सात नए ये सात भंगी सप्त भंगी जो है, वैसे तो सात अलग अलग डिविजन्स हैं, ये इतने स्पष्टता से जैनिज्म ने दिए हैं, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन। जैनिज्म में भक्ति की कोई बात नहीं है, भक्ति की बात बहुत मंदता से करी है, एवरीथिंग इज सो लॉजिकल सो साइंटिफिक, इतना विज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण से है कि तुम्हें समझ में आए बिना रह ही नहीं सकता। बस लोगों का आग्रह हो गया है, इसलिए कोई एकांत से ज्ञान को पकड़ के बैठ गया है, कोई एकांत से केवल क्रिया कांडों को पकड़ के बैठ गया है, ये दोनों ही महावीर का मार्ग नहीं है। महावीर का मार्ग तो इन दोनों का समन्वय है, दोनों के दोनों मार्ग को समन्वय है, क्योंकि भगवान महावीर द्वारा जो भी शास्त्र आए आगे उसके अंदर मुख्यतः ज्ञान की रही, मुख्यतः ज्ञान की होने के कारण जो कर्म और भक्ति का मार्ग है वो थोड़ा थोड़ा दबे हुए सुरों में कहा गया। दबे हुए सुरों में कहने के कारण लोगों को ऐसा लगा कि मुख्यतः खाली ज्ञान की है। ज्ञान की मुख्यतः भी तब होगी जब पहले कर्म योग से हमारी बुद्धि साफ होगी, उस साफ बुद्धि के अंदर भक्ति का स्वरूप समझ में आएगा, और उस स्वरूप समझे हुए भक्ति से जब हम ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तब जाकर ईश्वर अनुभूति होगी।